स्टूडेंट चैप्टर 1 की न्यूमेरिकल हम कर रहे थे, उसी का ये 10.6 न्यूमेरिकल देखिएगा कि कह रहे हैं कि रिपल टैंक का जो वाइब्रेटर है उसकी फ्रिक्वेंसी 12 हर्ट्स है। मतलब ये कि वो एक सेकंड में 12 दफ़ा जो है वाइब्रेट कर रहा है। कह रहे हैं कि जो उसकी वेवलेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है और उसकी आपने स्पीड फाइंड करनी है। तो ये डाटा जो है इसमें आपको बता रहे हैं कि जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है। फ्रिक्वेंसी आपके पास 12 हर्ट्स है, इसी तरह जो वेवलेंथ है वो कितनी जी, वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर है। इसे मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.03 होगा। ये मिस्टेक हो गई थी, 3 मीटर लिखा हुआ है तो ये 0.03 मीटर आएगा। ठीक है बच्चों, आपके पास क्या आ गई, इसकी वेवलेंथ आ गई। अब आप देखें, आप लोगों ने इसमें वी फाइंड करना है सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ये और जो वेवलेंथ है आपके पास वो 0.3 मीटर। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 3 36 0.36 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर आया था होता है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा कि एक ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस हो रही है किसी भी स्प्रिंग में से जिसकी फ्रिक्वेंसी 190 है। कह रहे हैं कि ये ट्रैवल हो रही है जिसकी लेंथ जो है वो 90 मीटर है और जिसका टाइम जो है वो 0.5 सेकंड है। तो आपने इसमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, उसकी स्पीड फाइंड करनी है और उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने लगे जी बच्चे। जिस तरह फ्रिक्वेंसी आपको नज़र आ रहा है कि 190 हर्ट्स है, इसी तरह और डाटा इसका लिखते हैं कि जो इसमें लेंथ है वो देखिएगा, जो इसमें डिस्टेंस या लेंथ कह रहे हैं वो कितनी है, 90 मीटर, और जो इसमें टाइम लगा है वो 0.5 सेकंड लगे हैं। तो क्या कह रहे हैं, इसमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है आप लोगों ने, इसकी स्पीड फाइंड करनी है और इसकी वेवलेंथ लैम्डा फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन आप सबसे पहले इसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो वो इसमें वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें, 190 इसकी वैल्यू है। तो जब इसे आप करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0.017। तो इसी तरह देखें, आपने आगे नेक्स्ट फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है। 9th क्लास में आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस ओवर टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 0.5। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये डिवाइड हो रहा है फिलहाल, फिर 1/2 जब ऊपर आएगा तो ये 180। यह सिंपल आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला, ये आपने वी फाइंड कर लिया। इसी तरह देखने में ये न्यूमेरिकल काफ़ी टफ लगता है। अब आप कह लें कि 4 वेवलेंथ, अगर आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए आप वेव इक्वेशन की टर्म यूज़ करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा कि वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसी तरह जब आप लोगों ने लैम्डा फाइंड करना है, एफ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, वी ओवर एफ हो जाएगा। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर लें और आपका आंसर आपके पास। तो देखें वी की वैल्यू कितनी है, 180, फ्रिक्वेंसी कितनी है, 190। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.95 मीटर। ठीक है बच्चे, ये आपका आंसर है। अगर किसी तरह की क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगी तो आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट, 10.8 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखिएगा। कह रहे हैं कि एक डिश है, एक बर्तन है जो कम गहरा है, जिसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कि इसके एक पॉइंट पे वाटर मूव अप एंड डाउन, जिसमें वाटर अप एंड डाउन जो मूव कर रहा है, ऑसिलेशन पर सेकंड जो है वो कितनी है, 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड। कह रहे हैं कि आपने इसमें पीरियड फाइंड करना है और इसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो ऑसिलेशन पर सेकंड का मतलब क्या है, फ्रिक्वेंसी है। ठीक है जी, आप इसको इसमें आपको जो इसकी वेवलेंथ दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं, 6 सेंटीमीटर। आपको ये पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो वे 0.06 मीटर आ जाएगा। इसी तरह आपको ये फ्रिक्वेंसी कितनी दे रहे हैं, फ्रिक्वेंसी आपके पास 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड, या आप इसे हर्ट्स लिख सकते हैं। तो अब आपने फाइंड क्या करना है, इसमें रिक्वायरमेंट है आपकी वो एक स्पीड फाइंड करनी है, दूसरा इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप जो सी चीज़ मर्जी पहले फाइंड कर लें। वी इज इक्वल टू आपके पास एफ लैम्डा है, तो आप एफ की वैल्यू 4.8 और लैम्डा की वैल्यू 0.06, तो आपके पास जो आंसर आ गया 0.29 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास वी आ गया। इसी तरह जब आपने टाइम पीरियड निकालना है, आपको पता है कि टाइम पीरियड के लिए रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट करें और आंसर आपके आपके सामने 0.21 सेकंड। ठीक है बच्चे, ये आपका न्यूमेरिकल था। अब